हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैकर होम। दोस्तों, आज मैं 7 अमेजिंग एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं, तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा एक्सपेरिमेंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो चलिए एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट के लिए मैं ले रहा हूं सिल्वर नाइट्रेट। यह सिल्वर नाइट्रेट 25 ग्राम का है और इसका प्राइस लगभग 5000 रुपया है। और मैं ले रहा हूं मैग्नीशियम मेटल का पाउडर। सबसे पहले मैं एक प्लेट में इस मैग्नीशियम मेटल पाउडर को रख दे रहा हूँ और उसके बाद ले रहा हूँ सिल्वर नाइट्रेट और इस दोनों को सेफली मिक्स कर दे रहा हूँ। अब यह मिक्स हो चुका है तो मैं इसमें सिंपली पानी डालने जा रहा हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। ओह माय गॉड, इतना ज्यादा लाइट के साथ धमाका हुआ। वो यहाँ पर देख सकते हैं प्लेट का तो टुकड़ा टुकड़ा हो चुका है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट तो बहुत ही मजेदार है। इसके लिए मैं एक ग्लास में सिल्वर नाइट्रेट ले रहा हूँ थोड़ा सा, और इसमें मैं रख दे रहा हूँ डिस्टिल्ड वाटर। और डिस्टिल्ड वाटर डालते ही सिल्वर नाइट्रेट इसमें घुल जाता है। और मैं ले रहा हूँ कॉपर का क्वाइल जो मैं कुछ इस तरीके से बना लिया हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं डालते ही इसका कलर ब्लैक हो चुका है। मैं इसको एक बार निकाल करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से यह काला हो चुका है और इसमें रखने पर क्रिस्टल ग्रो करने लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे क्रिस्टल ग्रो कर रहा है। वो इट्स अमेजिंग। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा लग रहा है पेड़ का जड़ है, और बाद में तो यह और भी ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है। तो चलिए अब इसको निकाल करके देखते हैं यह कैसे दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं निकालने के बाद यह पूरा गायब हो चुका है, और यहाँ पर इस कॉपर के ऊपर सिल्वर यानी चांदी आ चुका है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए मैं ले रहा हूँ आलू और इसको मैं काट दे रहा हूँ। उसके बाद मैं ले रहा हूँ सॉल्ट और चावल, और उसके बाद मैं ले रहा हूँ चीनी। इसमें हम लोग स्टार्च चेक करने वाले हैं किसमें स्टार्च है और किसमें नहीं है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमें चाहिए आयोडीन सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को हम लोग सिंपली इसके ऊपर रख देंगे। जिसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा उसमें स्टार्च है, और जिसका कलर आयोडीन का कलर रह जाएगा उसमें स्टार्च नहीं है। तो चलिए देखते हैं किसमें स्टार्च है और किसमें नहीं है। चावल में तो यहाँ पर दिख रहा है और आलू में भी स्टार्च दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर साल्ट का कलर नहीं चेंज हुआ और चीनी का भी कलर चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर हमें आसानी से पता चल जा रहा है चीनी और सॉल्ट में स्टार्च नहीं है, जबकि आलू और चावल में स्टार्च है। जब कोई पानी फ्लो करता है तब हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, लेकिन मैं अब इस पानी को बैलून में भर दे रहा हूं, और इस बैलून में पानी भरते समय देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको बांध दे रहा हूं और उसके बाद मैं इसमें टेप चिपका दे रहा हूँ कुछ इस तरह से। और टेप चिपकाने के बाद मैं इसके बीच में एक छोटा सा होल कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं जो पानी निकल रहा है बिल्कुल सॉलिड ग्लास की तरह दिख रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर सॉलिड ग्लास रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही टच किया जा रहा है तो रुक जा रहा है, पानी हमें दिखाई देने लग रहा है। इसे लेमिनार फ्लो कहते हैं। इट्स अमेजिंग। यहाँ पर देख सकते हैं अब यह धीरे धीरे कम होने लगा है। अब मैं इसको दबा रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर अब यह कम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कैसे सॉलिड ग्लास के जैसा दिख रहा है। यह है गैलियम मेटल जो हाथ के हीट से मेल्ट कर जाता है। तो मैं अभी यहाँ पर हाथ पर रख करके और दबा रहा हूँ, कुछ देर में यहाँ पर देख सकते हैं मेल्ट हो करके यह कुछ इस तरह से हो चुका है, और यहाँ पर देख सकते हैं यह कितना अमेजिंग दिख रहा है।
तो अब मैं ले रहा हूँ एल्युमिनियम फॉयल और इसका छोटा छोटा पीस करके इसमें मैं रख दे रहा हूँ। और इस एल्युमिनियम फॉयल में मैं रख दे रहा हूँ गैलियम मेटल। इस गैलियम मेटल से एल्युमिनियम फॉयल पूरा तरह से मेल्ट हो जाएगा। और अब यह मेल्ट हो चुका है तो मैं अब ले रहा हूँ एक गिलास में पानी और इस मेल्ट वाले पार्ट को मैं डाल दे रहा हूँ इस गिलास में। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस बनना तैयार हो चुका है। जैसे जैसे मैं डाल रहा हूँ वैसे वैसे हाइड्रोजन गैस बनना चालू हो जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस तैयार होने के बाद भी गैलियम मेटल हमारा अभी भी सेफ है यहाँ निचले वाले पार्ट में। मैं इसमें का पानी गिरा करके भी दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं पानी गिराने के बाद यहाँ पर गैलियम मेटल कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यह है पेल्टियर मॉड्यूल। इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है तो एक साइड गर्म और एक साइड ठंडा हो जाता है, जिसे हम लोग काफी सारे प्रोजेक्ट करते हैं। तो चलिए इसमें मैं 12 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी दे करके दिखा दे रहा हूँ कैसे यह गर्म होने लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको कनेक्ट कर दिया हूँ तो यहाँ पर हीट बढ़ना चालू हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 55 डिग्री हो चुका है और बढ़ते जा रहा है। तो मैं अब इस पेल्टियर मॉड्यूल के अंदर खोल के देखने वाला हूँ क्या है इसके अंदर, जिससे यह गर्म और ठंडा दोनों करने लगता है। और यहाँ पर मैं अब इसको कुछ इस तरह से खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट टूट गया तो मैं अब इसको पूरा खोलने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ से अब पूरा खुल जाएगा। अब यह खुल चुका है और इसमें हमें देखने को मिल रहा है सिरामिक और उसके ऊपर है कॉपर और उसमें लगा हुआ है दो सेमीकंडक्टर, दो दो सेमीकंडक्टर का ग्रुप लगाया गया है। एक और प्लस है और एक और माइनस है। सेमीकंडक्टर एक पी टाइप का है और एक एन टाइप का है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देने पर गर्म और ठंडा करने लगता है। तब इसको बाहर से कोल्ड और हीट दिया जाता है, तब यह इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए मैं ले रहा हूँ एक बॉटल और इसमें मैं डाल दे रहा हूँ हाइड्रोजन परऑक्साइड 30% सोल्यूशन। और उसके बाद मैं ले रहा हूँ लिक्विड सोप, इसको भी मैं इस बॉटल में डाल दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं इसमें फूड कलर भी डाल दे रहा हूँ और इन तीनों को मिक्स कर दे रहा हूँ। अब यह मिक्स हो चुका है तो मैं एक ग्लास में थोड़ा सा पानी ले रहा हूँ। उसके बाद मैं ले रहा हूँ पोटेशियम आयोडाइड और इसमें से मैं थोड़ा सा रख दे रहा हूँ इस ग्लास में और इसको मिक्स करके सॉल्यूशन तैयार कर ले रहा हूँ। अब यह सॉल्यूशन रेडी हो चुका है तो मैं सिंपली इस बॉटल में डाल दे रहा हूँ सेफली। ये यहाँ पर देख सकते हैं कैसे एलिफेंट टूथपेस्ट बनना तैयार हो चुका है। इसका फोम देख सकते हैं कितना अमेजिंग देखने को मिल रहा है और इसमें से स्मोक भी निकल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इतना फोम तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसी एक्सपेरिमेंट को ग्लास में करके देखते हैं कैसे दिख रहा है। फिर से मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड ले रहा हूँ और इसमें डाल दे रहा हूँ थोड़ा सा लिक्विड सोप और फूड कलर इसमें मिला दिया हूँ। और उसके बाद मैं डाल रहा हूँ पोटेशियम आयोडाइड और यहाँ पर देख सकते हैं कैसे फोम तैयार होना चालू हो चुका है और फोम यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं ग्लास पूरा तरह से ढक चुका है। इट्स रियली ऑसम। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।